हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और शॉर्ट वीडियो लेकर फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। आज का जो शॉर्ट वीडियो है वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द कंपनी हैज़ रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट 5% प्रीमियम। मतलब दो लेजर तो आपको दिख गए होंगे, एक तो प्रेफरेंस शेयर्स और एक 5% प्रीमियम। तो एक लेजर तो बनने वाला है प्रेफरेंस शेयर, एक बनने वाला है सिक्योरिटी प्रीमियम। आफ्टर ऑब्जर्विंग नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट फॉर दिस पर्पज ऑफ रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर अमाउंट ₹1,00,000 हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। और क्या बोला है, ₹1,00,000 कहाँ से निकाला है, जनरल रिजर्व में से निकाला है। तो तीसरा लेजर बनेगा जनरल रिजर्व का ₹1,00,000 के लिए। तीन चीज़ तो ये हो गई, और चौथा मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी वापस बता रहा हूँ, जब भी हम लोग जनरल रिजर्व में से पैसा निकालते हैं तो हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, इट्स ऑलवेज ट्रांसफर टू CRR। तो चौथा जो लेजर बनेगा वो बनेगा CRR। इवन दो CRR का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ तो भी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व में से हमेशा कहां पे ट्रांसफर होता है, CRR में। क्लियर है? तो ये चार लेजर बनने वाले ही हैं। और पांचवा लेजर हम लोग बना देंगे इक्विटी का, जो अभी इस सब में इस एडजस्टमेंट में कुछ काम नहीं है, लेकिन कभी ना कभी काम आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 5 में अगर आप देखोगे तो CRR का भी नाम दिया हुआ है और बोनस का भी नाम दिया हुआ है। बोनस हमेशा किसको मिलता है, इक्विटी को। तो इसका मतलब CRR जो ओपन होगा वो हम लोग देंगे बोनस के फॉर्म में किसको, इक्विटी को। तो इक्विटी का काम वहां पे तो आने वाला ही है। तो हम लोग कितने लेजर बनाएंगे, पांच लेजर बनाएंगे। कौन कौन से? सबसे पहले बनेगा प्रेफरेंस, फिर बनेगा प्रीमियम, फिर बनेगा जनरल रिजर्व, फिर बनेगा CRR और लास्ट में बनेगा इक्विटी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बना दिया प्रेफरेंस का लेजर, ये लिख दिया मैंने ओपनिंग 70,000 और क्लोजिंग आ गया 0। और प्रीमियम का लेजर ओपनिंग था 25,000, क्लोजिंग आ गया 20,000। अभी दो लेजर पे हम लोग फोकस करेंगे। अब एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। द कंपनी हैज रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 5% प्रीमियम। हमको रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर कितने टका पे, 5% प्रीमियम पे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन तभी हो सकता है जब प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप हो। तो सबसे पहले मेरा काम है देखना रिडेम्पशन करने से पहले कि प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है या नहीं है। तो देखते हैं प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कितना दिख रहा है, 70,000 तो दिख रहा है, लेकिन अंदर देखोगे तो ऐसा दिख रहा है ₹10 का शेयर है, कितना पेड अप दिख रहा है, 7 पेड अप दिख रहा है। मतलब फुल्ली पेड अप नहीं है, 7 पेड अप है। तो सबसे पहले मेरे को ये ₹10 का शेयर है, 7 ही पे किए तो ₹3 मंगाने पड़ेंगे। कितने रुपये मंगाएंगे, ₹3। तो उसके लिए हम लोग करेंगे 70,000 डिवाइड बाय 7 इंटू 3, तो आ जाएगा ₹30,000। ऐसा क्यों किया, 70,000 डिवाइड बाय 7 किया तो नंबर ऑफ शेयर्स आए जो आए 10,000, और इंटू 3 कर दिया क्योंकि अनपेड अमाउंट ₹3 था। तो 10,000 इंटू 3 कितना आ गया, ₹30,000। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ₹30,000 मंगवाऊंगा और उसके बाद रिडेम्पशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, अगर मैं ₹30,000 शेयर होल्डर से मंगाऊंगा, और मैं कंपनी हूँ, कंपनी अगर ₹30,000 शेयर होल्डर से मंगाएगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा। पैसा जब आएगा तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, सोर्स ऑफ फंड में। सोर्स ऑफ फंड कहाँ पे आता है, फंड फ्लो में, डेबिट साइड। असली में डेबिट क्रेडिट नहीं होता स्टेटमेंट, इसलिए पर समझने के लिए कि डेबिट साइड। तो लेजर में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। और फंड फ्लो में वर्ड कौन सा यूज होता है आपको पता ही है, बैंक। तो अभी आपको दिखेगा प्रेफरेंस शेयर के लेजर के अंदर बाय बैंक लिखा हुआ 30,000। देखिए दिख रहा है, बाय बैंक लिखा हुआ 30,000। और जैसे ही पैसा आया, इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, सोर्स ऑफ फंड में। देखो वो भी दिखेगा अभी आपको, फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर 30,000। क्लियर है? अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। हमने क्वेश्चन पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है कितने टका प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम पे। अब आपको प्रेफरेंस का ओपनिंग 70 नहीं दिख रहा, 70+30 ₹1,00,000 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, ₹1,00,000। मतलब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है ₹1,00,000 का, लेकिन साथ में प्रीमियम भी देना है, कितना टका, 5%। तो ₹1,00,000+5% कितना होता है, ₹1,05,000 की ज़रूरत है। हम लोग को ₹1,05,000 की ज़रूरत है। तो ₹1,05,000 की ज़रूरत है, तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे तो पैसा जाएगा। पैसा जाता है तो आपको भी पता है कहाँ लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड में। एप्लीकेशन ऑफ फंड फंड फ्लो में कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट पे आता है, इसलिए लेजर में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। इसलिए लेजर में देखो टू बैंक लिखा हुआ दिख रहा है, ₹1,05,000। और इसकी दूसरी इफेक्ट आपको पता है कहाँ जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर। तो अभी आपको वो भी दिखेगी, देखो दिख रहा होगा, प्रेफरेंस शेयर रिडीम ₹1,05,000। क्लियर? अब वापस एक बार मैं समझा दूं, ये ₹1,05,000 के अंदर
₹1,00,000 प्रेफरेंस है, लेकिन 5,000 जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, वो है प्रीमियम। तो इसमें से प्रीमियम को 5,000 को निकालना पड़ेगा, और अकाउंट्स हम लोग इसको काट के 5,000 नहीं कर सकते। तो जब हम लोग कैंसलेशन नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइड पे एंट्री कर देते हैं। तो 1,05,000 के अंदर से 5,000 को निकालने के लिए हमने अपोजिट साइड पे एंट्री कर दी और उसको नाम दे दिया सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 1,05,000 के अंदर 5,000 जो था वो क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो यहाँ लिख दिया बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, और जैसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आया वो चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में डेबिट साइड पे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये 5,000 की दोनों इफेक्ट यहाँ पे आई चुकी है, तो इसकी और कहीं इफेक्ट जाएगी नहीं, क्लियर है। सिक्योरिटी प्रीमियम अंदर 5,000 तो अंदर अंदर ही बंद हो गया। अब देखा, बंद करते हैं लेजर, तो हमारा प्रेफरेंस तो टैली हो चुका है, और प्रीमियम देखा तो प्रीमियम भी टैली हो चुका है, क्लियर है। यहाँ तक हमारा सम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आगे पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अमाउंट ऑफ इज 1,00,000 हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व, कि 1,00,000 रुपए हमने कहाँ से निकाला है, जनरल रिजर्व में से निकाला है। और हमको पता है जनरल रिजर्व से निकालते तो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, CRR में, पता है ना ये, तो जनरल रिजर्व में से निकालते तो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, CRR में। हमने दोनों के लेजर बनाए हुए हैं, जनरल रिजर्व का ओपनिंग था 75 और 50 और CRR का ओपनिंग था 0 और 0। तो देखिए जनरल रिजर्व में से निकालूंगा और CRR में ट्रांसफर कर दूंगा। तो देखिए जनरल रिजर्व का लेजर बन गया, ओपनिंग था 75,000, क्लोजिंग था 50,000, CRR का ओपनिंग भी था 0 और क्लोजिंग भी था 0। तो अभी जनरल रिजर्व में से निकालना है और CRR में डालना है, तो मैंने भी आपको बताया जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। तो जनरल रिजर्व में से निकाला और कहाँ पे डाल दिया, टू CRR में डाल दिया। जैसे ही CRR का नाम आया वैसे ही CRR में जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व, क्लियर है। तो ये 1,00,000 अंदर अंदर ही बंद हो गया, जनरल रिजर्व में से CRR में गया और CRR में लिख दिया बाय जनरल रिजर्व, क्लियर है। हमको पता है सारे के सारे रिजर्व्स कहाँ पे बंद होते हैं, PNL के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को बंद कर देंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उसको कहाँ डाल देंगे, PNL के अंदर। तो 1,00,000 + 50,000 1,50,000 आ गया, यहाँ पे भी 1,50,000 लिख दिया, बैलेंस कितना था 75, तो क्लोजिंग जो डिफरेंस आया वो आ गया आपका बाय PNL 75,000, इसको नाम दे दिया बाय PNL। और इसकी इफेक्ट कहाँ जाएगी, इसकी इफेक्ट जाएगी PNL में डेबिट साइड, क्लियर है। तो अभी ये 75,000 कहाँ चल जाएगा, PL में डेबिट साइड, क्या नाम से जाएगा, तो जनरल रिजर्व के नाम से जाएगा, अभी आपको दिखेगा, देखिए। तो देखो आपको दिख रहा होगा टू जनरल रिजर्व 75,000, ईजी। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर टू इतना ही था, लेकिन मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट नंबर टू और एडजस्टमेंट नंबर फाइव जुड़े हुए हैं। ऐसा बोला हुआ है, द कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम CRR इन द रेशियो 2:1। 2:1 के फॉर्म में मेरे को क्या देना है, बोनस देना है। बोनस हमेशा इक्विटी के ओपनिंग पे दिया जाता है, किसके ऊपर, इक्विटी के ओपनिंग के ऊपर। और रेशियो क्या है, 2:1 है, मतलब 2,00,000 के ऊपर, क्या दो, कहने का मतलब 2 के ऊपर एक शेयर देना, तो 2,00,000 के ऊपर कितने के इक्विटी शेयर का बोनस दूंगा, तो 1,00,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,00,000। 1,00,000 का मेरे को बोनस देना है, और कहाँ से देना है, CRR में से देना है, ऐसा लिखा हुआ है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में से दिया हुआ है। तो हम लोग के पास दोनों लेजर तैयार ही हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का भी लेजर तैयार है और इक्विटी का भी लेजर तैयार है। हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और कितने रुपये का देना है बोनस, अभी आपको मैंने समझाया, 1,00,000 रुपये का। कैसे, 2:1 का रेशियो है, तो 2,00,000 पे कितना, तो आएगा 1,00,000। सिंपल है, 1,00,000 का बोनस हमको देना है। तो 1,00,000 का बोनस हम लोग कहाँ से देंगे, CRR में से देंगे। किसको देंगे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। तो दोनों का लेजर हमारा तैयार ही है, एक बार वहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। देखिए ये रहा CRR का लेजर जो हमने ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें जनरल में से 1,00,000 रुपये आ चुका है, और इक्विटी का लेजर ओपनिंग लिखा था आपने 2,00,000 और क्लोजिंग लिखा था 4,00,000, क्लियर है। नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए, ओपनिंग 2,00,000, क्लोजिंग है 4,00,000। अब क्वेश्चन में बोला है कि CRR में से हम लोग को क्या देना है, बोनस देना है। तो उसकी एंट्री आती है CRR अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ब्रैकेट में बोनस। तो CRR में से हमने क्या दिया, बोनस दे दिया, किसको दे दिया, इक्विटी को दे दिया। जैसे ही नाम आया इक्विटी का, इक्विटी जाएगा बाय CRR, क्या बाय CRR, क्लियर है। तो ये 1,00,000 यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। कैसे आए 1,00,000, मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये 1,00,000 यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया और आपका CRR टैली हो गया।
क्लियर है। अब इक्विटी की बात करते हैं, पहले कितना इक्विटी था, 2 लाख, 1 लाख का बोनस आया तो कितना हो गया 3 लाख, लेकिन क्लोजिंग कितना दिख रहा है आपको, क्लोजिंग दिख रहा है 4 लाख, क्लोजिंग आपको दिख रहा है 4 लाख। स्टार्टिंग में इक्विटी था 3 लाख, अभी आ गया है 4 लाख, इसका मतलब 1 लाख का इक्विटी आपने इशू किया होगा। अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, इशू करेंगे तो हम लोग पब्लिक में पैसा बांटेंगे, पब्लिक हमको पैसा देगी, पब्लिक पैसा देती है तो आपको पता ही है कहाँ लिखते हैं, सोर्स ऑफ फंड में। सोर्स ऑफ फंड फंड फ्लो में कहाँ आता है, डेबिट साइड पर, डेबिट साइड पर, तो लेजर में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। इसलिए देखो जो 1 लाख का डिफरेंस है उसको मैंने क्या लिखा है, बाय बैंक लिखा है, और इसकी इफेक्ट क्या आएगी, सोर्स ऑफ फंड के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, इक्विटी इशूड। देखो अभी आपको दिखेगी, तो मैंने यहां लिख दिया इक्विटी इशूड 1 लाख, क्लियर है, इजी। मुझे उम्मीद है आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस के साथ कॉल्स इन एरियर्स का पॉइंट भी आता है वो भी कवर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो को अगर आपको पूरी तरह से देखना हो, इन द सेंस सारे एडजस्टमेंट्स अगर आपको सॉल्व करने हो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूं, आप उस लिंक से पूरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें ये पॉइंट के साथ पूरा सम भी कवर हो जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।